नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के पॉर्नोग्राफी केस में आए दिन खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी और उनसे फिर से पूछताछ करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के फ़ोन की क्लोनिंग लेने की प्लानिंग भी कर रही है और इस मामले में उनसे फिर से पूछताछ भी करी जा सकती है। राज कुंद्रा से जुड़े कथित पॉर्न रैकेट की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को इस मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान भी दर्ज किया था। हालांकि वे इस बयान से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं और इसीलिए वापस से शिल्पा शेट्टी को बुला सकते हैं। दोस्तों, एक बयान में बताया गया है कि पुलिस सूत्रों ने कहा है कि शिल्पा ने दावा किया है कि वे हॉटशॉट के लिए बनाए गए कंटेंट से पूरी तरह से अनजान थी। हॉटशॉट एक मोबाइल ऐप थी जिसमें उनके पति राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो स्ट्रीमिंग करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि शिल्पा शेट्टी ने दावा किया कि उनके पति निर्दोष हैं और उन्होंने इरोटिक और पोर्नोग्राफी के बीच अंतर पर जोर दिया। उन्होंने राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी को भी सह आरोपी बनाया गया है, जबकि इस ऐप में कुछ भी पोर्नोग्राफिक नहीं था, वो सब इरोटिक था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने शिल्पा शेट्टी के जुहू स्थित घर पर भी छापेमारी की थी। ये छापामारी शिल्पा का बयान दर्ज करने और ये पता लगाने के लिए हुई कि क्या शिल्पा शेट्टी को अपने पति के काम के बारे में कुछ पता था कि नहीं पता था। पुलिस ने उनके घर से तस्वीरें और वीडियोज़ का डाटा कलेक्ट किया है। आपको जान के हैरानगी होगी कि ये डाटा लगभग 50 TB का डाटा है। जी हाँ, जिसमें ज़्यादातर अडल्ट कॉन्टेंट ही है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।